सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। मिलावटखोरी के खिलाफ उन्नाव में खाद्य विभाग का छापा, दुकान से इकट्ठा किए गए मिठाई के सैंपल मचा हड़कंप। पर्व के मौके से मिठाइयों की मांग बढ़ रही है, सुनहरा मौका समझकर मिलावटखोर मिलावटी मिठाई बाजार में उतार देते हैं। खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों और मंडियों में अभियान चलाया। उन्नाव में मिलावटखोरी की आशंका पर खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। टीम ने मिठाई दुकानों और खोया मंडी में छापेमारी की। छापेमारी की कार्यवाही सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई। खाद्य विभाग की टीम ने रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर मिलावट की रोकथाम के लिए कार्यवाही की है। छापेमारी के दौरान 8 से ज्यादा दुकानों में सैंपल एकत्र किए गए हैं। सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर सिटी मजिस्ट्रेट अरुण मणि तिवारी ने दुकानदारों पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजूसा और सिटी मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ कई जगह एक साथ धावा बोल दिया। बताया जाता है कि उन्नाव में त्योहारों पर मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है। मिठाई और खोया में मिलावट कर लाखों की कमाई करते हैं। त्योहार होने की वजह से मिठाई की मांग बढ़ जाती है। सुनहरा मौका समझकर मिलावटखोर मिलावटी मिठाई बाजार में उतार देते हैं। खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों और मंडियों में खाद्य सामग्री को चेक किया। दुकान से मिठाई के सैंपल इकट्ठा किए गए। ऊंच गांव, बारा, सगवर और बीघापुर में छापेमारी की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। टीम को देखकर मिलावटखोरों ने मिठाई को छिपाने का प्रयास किया। मिलावट का शक होने पर टीम ने सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की कार्यवाही में जुट गई। गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अरुण मणि तिवारी ने बताया कि रक्षाबंधन जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए कार्यवाही करने का निर्देश मिला है। मिलावटखोरी पर शिकंजा कसने के लिए जनपद में 3-4 टीमें छापेमारी कर रही है। छापेमारी अभियान 25 अगस्त की तारीख से चलाया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मिलावटी सामान की बाजार में बिक्री को उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ बताया है। इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।